हेलो स्टूडेंट्स, सुपर केमिस्ट्री ट्रिक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हम केमिस्ट्री जो होती है, रसायन शास्त्र जो होता है, उसके अंदर हम क्या ऐसे उपाय अपनाएं कि जिससे हम आसानी से अच्छे अंकों से पास हो जाएं, ना हमारे सप्लीमेंट्री आए, ना हम फेल हो, ना हमारे कम अंक आए, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है एक सामान्य से सामान्य स्टूडेंट भी। ऐसे स्टूडेंट भी अच्छे नंबर पा सकते हैं जिसने अभी तक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी तैयारी नहीं की है, और प्रत्येक विद्यार्थी जो अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया किसी भी कारण, अगर उसकी जो हम बोल सकते हैं तबीयत खराब हो गई हो या ऐसा कोई भी कारण रहा हो जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया हो, तो हम वो अच्छे तैयारी करके या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ट्रिक्स अपना के कैसे अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। चलो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का पेपर कैसे आता है। तो आप सभी को बताएं यहाँ पर कि अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करते हैं तो 75 मार्क्स का जो हमारा थ्योरी का पेपर आता है, 25 मार्क्स जो होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं। ये हमारे स्कूल बेस्ड होते हैं, जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद ही इसके हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें अंक प्राप्त होते हैं। अब हम मेन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 75 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा, तो उसमें पास होने के लिए मात्र और मात्र हमें 25 अंक चाहिए, यानी कि बहुत आसान है, बहुत सरल है। यहाँ हम केवल और केवल 25 अंक से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स कैसे अपना है कि आपको आसानी से 25 ही नहीं, कम से कम 75 नंबर से, अगर हम बात करें कि 55 या 45 नंबर आसानी से मिल जाए। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या वो ट्रिक्स अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी इकाई देखते हैं, आपको बताया प्रश्न पत्र के अंदर एक अंक के प्रश्नों की संख्या होती है यहाँ पर कुल कितनी, 20। यानी कि ऐसे यूनिट सबसे पहले हम डिस्कवर देखते हैं यहाँ पर कि जिसके अंदर से एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अगर हम एक अंक के प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि सबसे पहले देखते हैं तो यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है आपकी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि उसके अंदर से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और चारों क्या होते हैं यहाँ पर एक अंक के प्रश्न होते हैं। अगर इसके अंदर हम देखें जैसे कि NaCl का जो सहसंयोजक अंक होता है वो क्या होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मुख्यतः क्रिस्टल्स होते हैं यहाँ पे उनकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। विद्युत रसायन से 1 प्रश्न, रासायनिक बल गतिकी से 1 प्रश्न, सतह रसायन से 2 प्रश्न, धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके मुख्य जो यौगिक होते हैं उन जो यौगिकों का अध्ययन होता है उससे 1 प्रश्न, पी ब्लॉक के तत्व से 3 प्रश्न, उपसंयोजक रसायन से 2 प्रश्न, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैव अणु से भी यहाँ पर पूछे जाते हैं 3 प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अंक के प्रश्नों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इट मीन्स अगर हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पर हमारी बुक के अंदर है, सीरीज के अंदर है, जहाँ हमारे टीचर पढ़ाते हैं वहाँ जो एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं या जो हमें वो लिखवाते हैं, उनके ऊपर हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसका कारण ये है कि एक अंक के प्रश्न लिखने से या हम एक अंक के प्रश्न पहले याद करने से क्या होते हैं, नंबर कटने के आसार बहुत कम होते हैं, और 20 में से कम हम 12 से लेकर 16 अंक आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इन 20 अंकों में जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर, इसके अलावा सही जोड़ी, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, अब दूसरी क्या अपना है यहाँ पर, एक अंक के जब प्रश्न हमें अच्छे से याद हो जाए उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे 2 अंकों के प्रश्न। हम सरल से शुरुआत करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, हम क्या करेंगे सरल से अगर माइंड फ्री होकर याद करेंगे तो हमें ज्यादा याद होगा, ना कि लोड लेकर। अब यहाँ पे इकाई देख लेते हैं, इकाई पाँच, अब 2 अंकों की संख्या की बात करें, इकाई 5 में से 1 प्रश्न, इकाई 8 पी ब्लॉक के तत्व सेकंड में से 1 प्रश्न, उपसंयोजक रसायन में से 1 प्रश्न, जैव अणु में से भी क्या होता है, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 अंक का ये टोटल होता है। तो अब हम जो सरल से बात करें, एक अंक के याद करने के बाद हम 2 अंकों के प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, एक एक दो दो लाइन के इनके जो उत्तर होते हैं, आसानी से 2 में से 2 अंक भी क्या कर सकता है, सामान्य विद्यार्थी भी पा सकता है। तो यहाँ पर हमें 5 से 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न। तो 3 अंक के प्रश्न केवल और केवल 2 यूनिटों में से पूछे जाते हैं, यानी कि एक तो आपकी दूसरी यूनिट विलयन में से 2 प्रश्न, और 9वीं यूनिट डी व ए ब्लॉक के तत्वों में से 2 प्रश्न। तो हम देखेंगे यहाँ पे मूल कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कितने अंक हो गए आपके, 12 अंक हो गए। 3 अंक के प्रश्नों के अंदर आप देखेंगे डी व ए ब्लॉक के अंदर से जो तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाता है, बहुत सरल यूनिट है, कारण बताओ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप आसानी से ये सरल प्रश्नों को याद करके 8 से लेकर 10 अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी एक अलग से वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकूं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4 अंकों के प्रश्नों की संख्या। तो आप देखेंगे 4 अंक, जैसे तीसरी यूनिट रासायनिक बल गतिकी में से 1,
धातुओं का निष्कर्षण में से एक हैलो एल्केन व हैलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से भी एक एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 4 × 5, यानी कि अगर हम देखें 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये 20 अंक के होते हैं। अगर हमें इतना ज़्यादा नहीं भी याद हो रहा, थोड़ा थोड़ा भी याद हो रहा, तो भी हम यहाँ पर 10 से लेकर 12 अंक क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके लिए। अब हम आएंगे यहाँ पे 5 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमारे यहाँ। तो 5 अंक के प्रश्न 3 यूनिट में से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विद्युत रसायन में से एक पी ब्लॉक के तत्व जो प्रथम होते हैं उसमें से एक, और इसमें मुख्यतः भी 2018 का क्वेश्चन है कि भाई जो नाइट्रोजन परिवार है या ऑक्सीजन जो परिवार है उसके हाइड्राइडों की तुलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। इसके अलावा 16 यूनिट जो है दैनिक जीवन में जो रसायन है, भारत के प्राचीन जो वैज्ञानिक संस्थान है इसमें भी अगर आप देखोगे तो डीएनए आरएनए में अंतर है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम 2018 का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 पूछे जाते हैं और 15 अंक यहाँ पे इसके होते हैं, तो कम से कम यहाँ पे 10 से 12 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम टोटल कर लेते हैं, अभी तक हमने जो सबले निकाला यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके याद किया, अभी भी हमारे पास में बहुत टाइम है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरे 2 महीने हैं यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि भैया कर सकते हैं 12 से लेकर 16, सेकंड में देखेंगे 5 से लेकर 6, थर्ड नंबर में देखेंगे आप 8 से लेकर 10, फोर्थ में देखेंगे आप 10 से लेकर 12, और फिफ्थ में भी 10 से लेकर 12 अंक क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सामान्य से सामान्य स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, 45 से लेकर 56 अंक प्राप्त कर सकता है। केवल वो पास ही नहीं होगा, अच्छे नंबर लाकर अब केमिस्ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।